राजधानी रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है। रायपुर में महिला की अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने वाला कपड़ा कारोबारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कपड़ा कारोबारी अनिल जैन गोलछा सैलेन नगर निवासी विधवा महिला के अश्लील फोटो खींचकर वायरल करने की धमकी देकर 20 लाख नगद 40 तोला सोना और 4 किलो चांदी वसूलने का आरोप है। बता दें कि विधवा महिला के बेटे को पता चलने पर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। आरोपी के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर राजधानी रायपुर से, जहां पर रायपुर में महिला की अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने वाला कपड़ा कारोबारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कपड़ा कारोबारी अनिल जैन गोलछा सैलेन नगर निवासी विधवा महिला के अश्लील फोटो खींचकर वायरल करने की धमकी देकर 20 लाख नगद 40 तोला सोना और 4 किलो चांदी वसूलने का आरोप लगाया है। देखिए, कोतवाली थाना क्षेत्र में इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जो उसका मित्र था, पहले बचपन से इनकी मित्रता थी, आरोपी अनिल जैन है, उसने उसका कुछ निजी फोटो को वायरल कर देने की का ब्लैकमेलिंग करके उससे पैसे और सोने चांदी उससे उगाही कर ली थी। इसमें पीड़िता की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। एक्सटॉर्शन का 354 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण को विवेचना में लिया गया है। इसमें अभी आरोपी का स्वास्थ्य खराब है, निगरानी में रखा गया है।